यूट्यूब चैनल मैं फिर से तुम लोगों के लिए एक नया एंड जबरदस्त जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आ गई हूँ। बेसिकली जो जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है टेक वेब कंपनी के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आ गई हूँ। बेसिकली जो कंपनी है MNC कंपनी है, सो MNC कंपनी का जॉब का रिक्वायरमेंट यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा बेसिकली IT सर्विसेज एंड IT कंसल्टिंग इंडस्ट्री है। और इन लोगों का जो फाउंडेड हुआ था, तो मतलब दैट्स मीन कंपनी जो फाउंडेड हुआ था 2004 में, ओके 2004 में कंपनी फाउंडेड हुआ था, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पेशलिटीज़ के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा इन लोगों का बहुत सारे काम होता है, जैसा तुम्हारे EPM, देन तुम्हारा बिजनेस एनालिटिक, देन तुम्हारा एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग दैट्स मीन ERP, देन तुम्हारा AMS दैट्स मीन तुम्हारा मैनेज्ड सर्विस का जो होता है ऑनशोर, देन तुम्हारा ऑफशोर का जो, उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, देन बिग डेटा, देन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग एंड क्लाउड, ऐसा करके बहुत सारे काम होता है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली जिन लोग BTech कंप्लीट किए हो एलिजिबल है BTech और डिप्लोमा होल्डर, ओके BTech और डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स यहाँ पे कंप्लीटली एलिजिबल है, जिन लोग फ्रेशर्स है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिविल के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज है, EEE ब्रांच के लिए वैकेंसीज है, और यहाँ पे ECE इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिविल, मैकेनिकल, EEE एंड ECE ब्रांच के लिए वैकेंसीज देखने को मिलेगा। डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech कंप्लीट के होते अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, जिन लोग कंप्लीटली फ्रेशर्स है यहाँ पे एलिजिबल है। मैं ज़्यादा वीडियो फ्रेशर्स के लिए इसीलिए बनाती हूँ, मेरे को पता है फ्रेशर्स के टाइम में कैसे स्ट्रगलिंग चलता है, सो ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्रेशर्स कैंडिडेट। सैलरी के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा मिनिमम 3.3 मैक्सिमम 5 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस, बट अप्रोक्सीमेटली 3.3 से लेके 5 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकता है, ओके। सो थोड़ा सा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। करने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जॉब गो फॉर यू। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाई देगा यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकॉन है यहाँ पे जाके क्लिक करके उसके बाद तुम्हारा जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा, जितने सारे मैं वीडियो अपलोडेड करेंगे सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा, ओके। एंड ये जो नोटिफिकेशंस मेरे को दिखाई दिया लिंक एंड ID में, सो दिखाई दिया तो मैं वीडियो बना दिया। बेसिकली तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, वॉकिंग ड्राइव होगा फ्रेशर्स के लिए है, सो तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। दैट्स मीन सिलेक्शंस प्रोसीड्योर के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू के मार्फत तुम्हारा सिलेक्शंस होगा, तुमको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। और क्वालिफिकेशंस के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा BTech और डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, 2020-2021 एंड 2022 पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ओनली करके मेंशन किए, सो ओनली फॉर तुम्हारा 2020-21 एंड 22 पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सिविल अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल भी अप्लाई कर सकते हैं, EEE भी अप्लाई कर सकते हैं, ECE भी अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। स्किल थोड़ा सा होना चाहिए यहाँ पे मेंशन कर दे, जैसा यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली तुम्हारा जो वॉकिंग इंटरव्यू होगा, बेसिकली 7 January 2023 तुम्हारा बेसिकली वॉकिंग इंटरव्यू होगा, 10 AM से तुम्हारा बेसिकली स्टार्ट होगा, और लोकेशंस भी मेंशन कर दिया। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, जिन लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज द एड्रेस, दिस एड्रेस में जाके तुमको बेसिकली वॉकिंग इंटरव्यू अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली सिलेक्शंस प्रोसीड्योर के बारे में देखेंगे, तब तुम्हारा वॉकिंग इंटरव्यू के मार्फत सिलेक्शंस होगा, सो तुम्हारा बेसिकली सिलेक्शंस हो जाने के बाद तुम्हारा सैलरी पैकेज जैसा मैं बताई इतना सैलरी तुमको मिलेगा। और एक चीज़ बात है, सैलरी ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली मैं बता दिया 3.3 से लेके 5 LPA तक तुम्हारा सैलरी रेंज आ सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंसन कर दिया, जैसे यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, कुछ डाउट है तो कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हो, सो जिन लोग स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो डायरेक्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हो, ओके। एक चीज़ बात है यहाँ पे तुम CV भी भेज देना, ठीक है, दिस मेल ID में भी CV भेज देना, ओके। CV भेज देने से अच्छा होता है, क्योंकि मेंशन नहीं किए तभी मैं बता देती हूँ, CV भेज देना, ओके। CV भेज देने से क्या होगा, कभी ऐसा होता है, कभी सपोज़ तुम इंटरव्यू अटेंड नहीं किए हो तो CV भेज देने
सीवी भेज देने से क्या होगा, कभी रिक्वायरमेंट होगा तो तुमको शॉर्ट लिस्ट जब उन लोग करेगा तब तुमको कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। सो इसीलिए सेफ साइट के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, सीवी भेज देना दिस मेल आईडी में और कवर लेटर भी दे देना, अच्छा एक कवर लेटर अटैच करके सीवी के साथ दे देना। और मैं बता देती हूँ फ्रेशर्स यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल है। तेलंगाना में बेसिकली तुम्हारा इंटरव्यू होगा और लोकेशन मेंशन कर दिया, जिस लोकेशन में जाके तुम आराम से इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, और इंटरव्यू देने के टाइम में डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, जैसा तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए रिक्वायरमेंट है। सो तुम्हारा क्वालिफिकेशंस डिटेल्स लेके जाना पड़ेगा, सीवी लेटेस्ट सीवी लेके जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है तुम्हारा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज 2-3 फोटोग्राफ लेके जाओ, क्योंकि कभी कभी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए भी मतलब मैंडेटरी होता है। सो मैं बता देती हूँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेके जाना, 2-3 फोटोग्राफ। ओके, और कब सीवी लेके जाना पड़ेगा। ओके, ऐसा ही है, मैं सारे डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। सो वीडियो पसंद लगा तो बड़े से लाइक कर देना, ऐसा नया जॉब का अपडेटेड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।